बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट टू का लेक्चर होगा, चैप्टर नेम डिप्रिसिएशन, लेक्चर नंबर 3 होगा आज। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन 1st July 2002। एक्स एंड कंपनी ने एक परचेज किया मशीनरी 70,000 की 1st July 2002 को। दे स्पेंट 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। एक्स एंड कंपनी ने 70,000 की मशीनरी खरीदने के बाद 8,000 इस पे और लगाए हैं मशीनरी को इंस्टॉल करने पे। इसका मतलब 70 और 8 78,000 दोनों को ऐड करने के बाद कुल मिलाकर जो इसकी कीमत बन गई है वो 78,000 बन गई है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द 1st 4 years। मशीनरी अकाउंट बनाए 4 साल के लिए अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम। हर साल मशीनरी की वैल्यू कम करें 10% पर एनम हर साल के लिहाज से। एज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st December। और साल जो एंड होता है वो क्वेश्चन के मुताबिक 31 दिसंबर को हर साल एंड होता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। यहाँ लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर आप लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट, अब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स डेट, यहां लिखेंगे डिटेल्स, देन आफ्टर रुपीस, फिर डेट, डिटेल्स और रुपीस। फर्क सिर्फ ये स्टूडेंट्स, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। स्टूडेंट्स इससे पहले भी आप लोगों को 2 लेक्चर में बता चुका हूं, जब हम साल शुरू करेंगे तो डेबिट साइड से और एंड करेंगे तो क्रेडिट साइड से। तो हम यहां लिख लेंगे 1st July 2002 को मशीनरी खरीदी थी 70,000 के और उस पर 8,000 रुपया और लगाया था इंस्टॉल करने के। लेकिन जो मशीनरी खरीदी थी वो किस पे खरीदी होगी, कैश पर। तो आप डिटेल्स में क्या लिख लेंगे, कैश अकाउंट। लेकिन कैश अकाउंट इस तरह लिखना है कि नीचे ब्रैकेट में कैश के नीचे लिखना है 70,000 प्लस 8,000। कुल मिला के जो 78,000 है ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। यानी स्टूडेंट्स आपने यहाँ इस तरह मेंशन करके बताना है कि 70,000 की खरीदी है और 8,000 रुपया और लगा उस पर। नाउ टोटल वैल्यू कितनी बन गई है 78,000। अब ये 78,000 हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे 78,000। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा साल एंड हो रहा है तो लिख लेंगे 31st December 2002 और इस पर क्या लेंगे अब, डिप्रिसिएशन अकाउंट। शॉर्टकट मैंने क्या लिख लिया, DEP, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, मैंने कहा था 1st 2 लेक्चर में भी कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक सोफा मेथड और एक दूसरा मेथड। अब इसमें कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मींस सोफा मेथड, SOFA, एस फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन के नीचे लिख लेंगे 78,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट ही थी 10%, तो 10/100 और मल्टीप्लाई, यहां मैं एक नया पॉइंट कर रहा हूं 6/12, यानी 6 महीनों की डिप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स ये पॉइंट लास्ट में याद रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है 1st जुलाई और साल एंड होता है 31st दिसंबर। जब 1st जुलाई को ही मशीन खरीदी है तो यहां पे इसलिए हम 6/12 करेंगे क्योंकि जब 1st जुलाई से खरीदेंगे मशीनरी तो ऑनवर्ड चलते हैं, यानी 1st जुलाई के बाद। पहले जो 6 महीने गुजर गए हैं वो गुजर गए हैं, 1st जनवरी को हमने मशीनरी नहीं खरीदी। तो 1st जुलाई का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 महीने बनते हैं। यहाँ करने को होगा फॉर एग्जाम्पल कि 1st मार्च, तो फिर 1st मार्च से गिनेंगे, मार्च का महीना भी और दिसंबर तक गिनेंगे। अब यहाँ 1st जुलाई, जुलाई का महीना भी शामिल होगा, जब 1st डेट लिखी होगी तो वो महीना भी साथ शामिल होता है। अगर यहाँ लिखा होता 31st जुलाई तो जुलाई का महीना इट्स बीन एंड हो गया, फिर हम अगस्त से गिनते। इसलिए 1st जुलाई से दिसंबर तक जब गिना
तो 6 मंथ बनते हैं। इट्स मीन पहले साल 2002 वाले साल में हम सिर्फ 6 महीने के इस पे क्या लेंगे डिप्रिसिएशन। इसलिए हम यहाँ पे 78,000 अब कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10% था परसेंटेज, 10 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो इट्स मीन हमारे पास पहले साल की जो वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई है 6 महीनों की वो कितनी हो गई है 3900। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ गई है डिप्रिसिएशन, अब इस टोटल में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जितनी वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई है, तो इसमें से जब ये माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बच गई 74,100। इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस सी बाई डी, यानी पहले साल बाद जो मशीनरी की वैल्यू रह गई है एंडिंग बैलेंस वो ये है। अब नेक्स्ट ईयर की क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट जनवरी। इसलिए स्टूडेंट्स यहां साल एंड हो गया था और यहां पे आप क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट जनवरी 2003 लिख लेंगे और नाम क्या देंगे, बैलेंस बी बाई डी। मैंने पहले ही बता चुका हूं पहले टू लेक्चर्स में भी कि यहां सी बाई डी और यहां पे ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बी बाई डी ब्रॉट डाउन। अब 74,100 अब ये वैल्यू इधर भी आ जाएगी और ये वैल्यू इधर भी आ जाएगी, यहां लिख लेंगे 31 दिसंबर 2003, क्या लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट समझना है, अब इस पे लेंगे डिप्रिसिएशन इस साल या ओरिजिनल पे लेंगे, ओरिजिनल पे लेंगे इसलिए क्योंकि ये कौन सा मेथड है सोफा मेथड है, तो फिर से ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 78,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स मैंने 6 बाय 12 क्यों नहीं किया, बिकॉज अब साल कब से शुरू है फर्स्ट जनवरी से और एंड हो रहा है दिसंबर तक, तो पूरा साल बनता है यहां जो कि फर्स्ट जुलाई से दिसंबर 6 मंथ बनते थे इसलिए 6/12 किया था और यहां पे पूरे साल के लिए, तो जब इस पे लेंगे 10% पूरे साल के लिए तो 7800 बन जाएगी। अब इसमें से ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसमें से ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई वो 66300 और इसको भी अब क्या नाम देंगे बैलेंस सी बाई डी। स्टूडेंट्स 2 साल के बाद मशीनरी की वैल्यू ये रह गई है लेकिन वो 4 साल का अकाउंट पूछ रहे हैं। अब यहां लिख लेंगे 1 जनवरी 2004, इसको क्या नाम देंगे बैलेंस बी बाई डी, वो जो एंडिंग बैलेंस था सी बाई डी का अब यहां पे क्या हो जाएगा बी बाई डी। अब यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी। अब यहां लिख लेंगे 31 दिसंबर 2004, वंस अगेन यहां क्या लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट अब इस पे लेंगे ओरिजिनल पे लेंगे, ओरिजिनल पे लेंगे क्यों, क्योंकि सोफा मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो फिर से किस पे लेंगे 78,000 पे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स अब यहां पे भी पूरे साल के लिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट जनवरी से दिसंबर तक है इसलिए पूरे साल के लिए, यहां पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7800। अब इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसमें से स्टूडेंट्स ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई वो 58,500, इसको क्या नाम देंगे बैलेंस सी बाई डी। स्टूडेंट्स 3 साल बाद मशीनरी की वैल्यू ये रह गई है लेकिन वो हमसे 4 साल का अकाउंट पूछ रहे हैं, यहां लिख लेंगे 1 जनवरी 2005 और यहां क्या लिख लेंगे बैलेंस बी बाई डी, वो जो एंडिंग बैलेंस था यहां के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग। अब इसी वैल्यू को हम इधर भी लिख लेंगे और इस साइड भी लिख लेंगे। अब यहां लिख लेंगे 31 दिसंबर 2005 और यहां क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन अकाउंट, लास्ट ईयर है फोर्थ ईयर स्टूडेंट। अब इस पे लेंगे या ओरिजिनल पे लेंगे, वंस अगेन ओरिजिनल पे लेंगे, क्यों, क्योंकि सोफा मेथड है और सोफा मेथड में हम हर साल जो डिप्रिसिएशन लेते हैं वो हमेशा ओरिजिनल पे लेते हैं। बस इस सवाल में फर्क सिर्फ ये है कि पहले साल हमने 6 महीनों की डिप्रिसिएशन ली है बिकॉज मशीनरी 1 जुलाई को खरीदी थी लेकिन बाकी जनवरी से दिसंबर है इसलिए पूरे पूरे साल के डिप्रिसिएशन ली है लेकिन ओरिजिनल पे ही ली है। अब यहां पे भी क्या करेंगे 78,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां भी कितनी वैल्यू आ जाएगी 7800। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की अभी तक समझ आ रही होगी। अब क्या करेंगे इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई वो 50,700, इसको क्या नाम देंगे बैलेंस सी बाई डी। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है और यहां तक हमारा लेक्चर नंबर 3
डिप्रिसिएशन का एंड हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।